जय बजरंगबली दोस्तों, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और वीडियो आने के लिए एबीसी का सेकंड पार्ट। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि रनिंग में या फिर मूवमेंट्स में एबीसी का जो एबीसी एक्सरसाइज है वो कैसे करी जाए प्रॉपर, तो वही मैं बताने वाला हूँ। जो बच्चे या फिर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक बता पा रहा हूँ मैं आपको, अच्छी जानकारी दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बड़ी मेहनत लग रही है, तो बड़े दिनों बाद शुरू करा है, तो प्लीज़ चलिए, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए चलते हैं दूसरी वाली अपनी वीडियो शुरू करते। पहली हमारी एक्सरसाइज रहेगी एंकल रनिंग। इससे आपके पंजे मजबूत होने वाले हैं और आपके जो घुटनों में दर्द होता है कई बार रनिंग करते टाइम, तो ये सारी परेशानी नहीं आएंगी, तो आप ये एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी रहेगी टो जंप। इससे आपके काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका, या जो बच्चे जंपर हैं या फिर ट्रेनिंग अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। सिंगल लेग हॉप जब आपको आपके पैर स्ट्रॉन्ग बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और टेक ऑफ में, लॉन्ग जंप के टेक ऑफ या हाई जंप के टेक ऑफ में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली एक्सरसाइज, तो आप ज़रूर करें ये सारी एक्सरसाइज। इन सारी एक्सरसाइज से आपका रिजल्ट 100% आएगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आप देखिएगा, आप ये सारी एक्सरसाइज करिएगा, आपको रिजल्ट हमेशा आएगा। आप बहुत अच्छी जंप लगा पाएंगे, रनिंग में स्ट्राइड खोल पाएंगे, या फिर आप हाई जंप है उसमें टेक ऑफ ले पाएंगे। जो बच्चे हाई जंप नहीं कर पाते या लॉन्ग जंप नहीं कर पाते, रनिंग में दिक्कत आती है, स्टेप नहीं खोल पाते, ये सारी एबीसी आपको बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर करें। ये वाली एक्सरसाइज आपकी ग्रोइंग लेवल जो होगी वो ग्रोइंग खोलेगी, फ्रंट मसल खोल सकती है, स्ट्रॉन्ग बना सकती है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है दोस्तों। हफ्ते में, वीक में आपको एक या दो बार ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों के पैर नहीं खुलते या स्ट्राइड लेंथ नहीं बढ़ रही है, ये वाली एक्सरसाइज करें, आपकी 100% आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये वाली एक्सरसाइज स्ट्रेट लेग, ये स्पीड के लिए, काफ मसल के लिए, पंजे के लिए, एंड्योरेंस के लिए सारी एक्सरसाइज बहुत बेहतर है, तो आप ज़रूर करें। क्वार्टर स्क्वायर जंप, ये आपके थाई में पावर लाएगा, आपको टेक ऑफ में काफ़ी जगह फ़ायदा पहुँचाएगा। हनुमान जंप, ये वाली एक्सरसाइज आपके खास कर लॉन्ग जंप टेक ऑफ के लिए यूज़ आने वाली, तो ये ज़रूर करें आप, 100% आपका रिजल्ट आएगा। बैक फ्लिक एक्सरसाइज आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रिदम बनाने के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग जंप नहीं निकल रही है या फाउल आ रहा है बार बार, या फिर उनका टेक ऑफ नहीं हो पा रहे, हाइट नहीं ले पा रहे, तो ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं सारी की सारी। लॉन्ग हाई नहीं आपके स्टेप खोलने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फास्ट लेग आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ये वाली तो आपको करनी ही करनी है, आपको काफ़ी रिजल्ट आएगा आपके स्पीड के लिए। जो जिन बच्चों की स्पीड नहीं आती, फिनिशिंग नहीं हो पा रही है, ये फास्ट लेग करिए, आप जो फिनिशिंग होगी 100 मीटर की वो अच्छे से, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, इससे आपका 100% रिजल्ट आएगा ही दोस्तों। हाइनिंग तीनों साइड वाली मैंने इसमें दे रखी है आपको। हाइनिंग से आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा होगा, काफ मसल बहुत स्ट्रांग होगी, फ्रंट मसल स्ट्रांग होगी आपकी, ये आपको करनी ही करनी है दोस्तों, हमेशा करें। रनिंग के बाद, वर्कआउट के बाद आपको हाइनिंग कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की हो सकती है, मिनट की करें आप, करनी ही करनी है, तो ये सारी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।